आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय शहना जी, आदरणीय अतुल शाह साहब, आदरणीय कमलेश जी, मंच पे उपस्थित सभी नेतागण, भाई और बहनों, ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासुव। मैं जहां जाया करता हूं महादेव का ये प्रार्थना महादेव की पढ़ दिया करता हूं। मैं जिस वक्त शिवसेना में आया मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले थे कि एक सांस की भूख में सात सुर निकलते हैं, एक पांव की ताल पे कई घुंघरू नचते हैं, एक दिए से न जाने कई दिए जल जाते हैं और एक प्यार की गोद में न जाने कई प्यार बन जाते हैं। तो कलाकार होने के नाते जो लोगों के दिखाई देता है उससे थोड़ा ज्यादा देखने की मुझ में कृपा रही है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है। ये एक सांस की भूख से सात सुर निकलते हैं ये शब्द आया और इसी टाइम ठीक सात एमपी निकले हैं और सात एमपी आज महाराष्ट्र का राज राष्ट्र में कर रहे हैं। आज मुंबा देवी आया था मैं आदरणीय शायना जी के लिए, तभी यह नहीं सोचा था कि मैं यहां आऊंगा और स्पीच दूंगा, कतई नहीं सोचा था। परंतु आप मुझे कह रही थी कि आप यहां आइए, आदरणीय श्रीकांत जी आ रहे हैं। इससे पहले मैं मंच पे कभी एक साथ श्रीकांत जी के साथ इससे पहले नहीं आया, अलग अलग जगह थे, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम एक मंच पे साथ में हैं। आज फिर यह आवाज निकल रही है और माई से यह प्रार्थना की है मुंबा देवी से, और मैं ये कह रहा हूं कि माता मातैव सर्वत्र मातृ देव भव, मां ही है जगत में, ना उससे ऊपर कई शक्ति है ना उससे बड़ी शय है और हो ही नहीं सकती, और हुआ करती तो मुझ जैसे अनपढ़ लोग गोविंद से गोविंदा कैसे हो जाते। मैं फिल्मों में आया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पीछे पड़ गई, मिल गया एक अनपढ़, मिल गया हीरो नंबर वन। किसी ने सोचा था जो हीरो फिल्म की लाइन में खड़ा था खाने के लिए शायद ही पैसे हुए होते थे, वड़ा पाव खाते थे। कभी किसी ने सोचा था जो ये हीरो फिल्म देख रहा है ये किसी दिन हीरो नंबर वन होगा? माता माता ही सर्वत्र मातृ देव भव, और आज मुंबा देवी मां के आशीर्वाद से आप आगे निकली हैं। आप मैं ये कह सकता हूं बल्कि कहना चाहूंगा कि आज बच्चे और औरतें ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोग आगे निकले जो प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेसिव है। ये महाराष्ट्र में, मुंबई में, देश के अंदर महाराष्ट्र का जो योगदान है, जो महाराष्ट्र से सितारे निकले हैं, आज पूरा विश्व के अंदर ये जो सितारे निकले हैं ये महाराष्ट्र की कृपा हुई है तो ये सितारे आगे निकले हैं। ये जगह पे डोंगरी जगह है, ये आता मैं मरणित बोलू इच्छिणार कि यापूर्वी असं कधीच झालं नाही
की डोंगरावर देवीचा राज सुरू होत आहे. पुन्हा एकदा तसं व्हायला पाहिजे. आदरणीय शिंदे साहेब, आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अजित जी, आदरणीय श्रीकांत जी, मी शुभेच्छा प्रदान करतो की डोंगरावर पोहोचल्यानंतर आई शिवाय कोणाची काय चालत नाही. किसी का नहीं चलेगा. माता माता ही सर्वत्र मात्र देव भव. मी गोविंदा गोविंदा झालो. लोक विचार करायला लागले हा काही शिकलेला नाही, याचा तसा त्या प्रकारचा चित्रपटाचा अभ्यास नाही, याची वाचा शुद्ध नाही, याच्याबरोबर काय क्रिया केली जाते त्याला काही ते कळत नाही. हा गावाचा भोळा भबडा माणूस काय हा हिरो होईल, कुठून आला आणि केव्हा गेला काय कळणार नाही. परंतु कला जगत का अभिन्न अंग है, नए विचारों के उमड़ते प्रसंग है. ये नदियों की कलकल, ये समय की है धारा, ये देश के हृदय से ये किसने पुकारा. मैं माई से प्रार्थना करता हूं, शुभेच्छा प्रदान करता हूं कि आप यहां से जीते तो सही और साथ साथ में ऐसे आगे निकले जैसे देवी कृपाएं आगे निकला करती है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जिंदाबाद. मी काय चुकून एकदा पोचलो होतो या ठिकाणाला कुठे पॉलिटिक्स, त्यावेळेला पण लोकांनी विचार केला का हा त्याचा काय आलाय गोविंद एमपी होत सगळं राम नाईक दिसा. मैं बोला सर जिस वक्त माओ का आशीर्वाद चलता है ना उस वक्त वहां वो मुसलमान की माँ है, चाहे वो क्रिस्तान की माँ है, चाहे वो बौद्ध की माँ है, चाहे यहाँ इस भूमि की माँ ही है, माँ ही माँ नजर आएगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माई से और प्रार्थना करता हूं किसी वास्तु दोष का, किसी शब्द दोष का, किसी क्रिया दोष का आपके जीत के बीच में बाधा ना आए, ये माई से प्रार्थना करता हूं. और साथ साथ में किसी बच्चे के लिए और किसी स्त्री के लिए कष्ट ना आए. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.